लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, और ज्यादा मतदाताओं की संख्या वहां दिख रही है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे मतदान का समय गुजर रहा है वैसे वैसे जो पोलिंग स्टेशन्स है वहाँ पर मतदाताओं की कतारें बढ़ती जा रही है और मैं कुछ खूबसूरत तस्वीरें कोटा से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कि किस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता की मनुहार की जा रही है और वोटर्स का वेलकम किया जा रहा है। ये खास इंतजाम कोटा के आदर्श मतदान केंद्र से है जहां पर जो भी वोटर्स इस वक्त आपको पंक्तिबद्ध कतारबद्ध नजर आ रहे हैं उनका यहां वोटिंग स्टेशन पर फूल बरसा करके साथ में टीका लगा करके यहां पर वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और अधिकाधिक मतदान के लिए प्रोत्साहन की जो कोशिशें हैं ये उन कोशिशों का हिस्सा है कि वोटर्स को यहाँ वोट करते समय फील गुड हो और ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने घरों से बाहर निकलें और साथ में वोट करें। कोशिश करते हैं आपसे इनकी बात कराने की। आप फूल बरसा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, किस भावना के साथ? जी सर, अच्छा है सर, स्वागत होना चाहिए सर। चलिए, तो किस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता को फील गुड हो इसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कोशिश करते हैं आपकी कुछ और मतदाताओं से बात कराने की जो कि लगातार यहाँ पर कतारबद्ध हैं और वोट करने के लिए अपने घरों से सुबह सवेरे बाहर निकले हैं। आप देख रहे हैं कि कतार लंबी लगातार होती जा रही है, तो आपने तय कर लिया है कि सुबह सवेरे ही वोट कर देना है? सुबह सवेरे ही वोट डालने का किया था, लेकिन यहाँ तो 7 बजे भी लंबी लाइन लगी हुई थी। गवर्नमेंट द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि 7 से 6 बजे तक का 2 घंटे बढ़ाए गए हैं, बहुत अच्छा किया है। पिछली बार मतदान कम होने का कारण यही रहा है कि समय कम पड़ता था और क्योंकि मशीनों